लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले आप इस राइटिंग जर्नी पे जाएं, क्योंकि राइटिंग की ये चीज़ है कि एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक लिरिसिज्म होती है, एक मेलेडी होती है, हर लाइन में इतना वज़न होता है। और मैं तो इतना सेंटेंस लेवल टाइप ऑफ राइटर हूँ कि मैं अगर 8 आवर्स भी काम करी हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखती हूँ एंड आई से ओ दिस इज़ सच अ गुड वर्क डे, बिकॉज पैराग्राफ बहुत खूबसूरत होता है, उसकी सेंस बन रही होती है एंड आई कॉल इट अ सक्सेसफुल राइटिंग डे। इसी तरह आई थिंक लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में लिखें जिसमें आप सोचते हैं, जिसमें आपको ख्वाब आते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यू कॉन्ट ब्लफ इन राइटिंग। आप एक बुरे राइटर हो सकते हैं लेकिन ना ही बने, मैं कहूँगी। राइटिंग इज़ समथिंग यू कॉन्ट फेक, लाइक आई सेड कि आप प्रोसेस नहीं कर सकते। जो जेन्युइन आपका इमोशन है, जिस ज़ुबान में आपका कैरेक्टर बोलता है, उसी ज़ुबान में आप लिखें। अगर उर्दू आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है या फिर आप उर्दू में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप लिखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके फिक्शन राइटर्स हैं जो उर्दू में लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज़ टू पोइट्री टू अ प्रोज, सब कुछ पढ़ें, देखें कि वो दिन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वो एक औरत जो मोटरसाइकिल में बैठ रही है, उसकी शलवार जिस तरह हिलती है, वो कैसे लिख सकते हैं। कनाल में जो बच्चे डुबकियाँ मारते हैं और उनकी वो जो शलवार बलून अप कर लेती है, आप वो उर्दू में ज़्यादा अच्छा लिखेंगे कि आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा अच्छा लिखेंगे? ये सारे सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब औरतें तेल लगा रही होती हैं, एक दूसरे की गुत बना रही होती हैं, वो एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर जिस तरह करती हैं, वो आप किस तरह लिखेंगे, वो जिस तरह आपके हैंड से स्लिप करता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली लिख रहे होते हैं शॉर्ट स्टोरीज़, आप डिफरेंट वर्ड बैंक भी अपना कर रहे होते हैं। जैसे मैं कि एक औरत की मुस्कुराहट जो है काफ़ी डिफरेंट तरह लिखनी पड़ती है हर शॉर्ट स्टोरी में। तो मैं जब भी कभी पढ़ रही होती हूँ कोई भी किताब, तो कोई खूबसूरत अगर लफ्स होता है, चाहे मैं गाना सुन रही हूँ एंड देर इज़ अ वर्ड विच आई रियली लाइक, मैं हमेशा अपनी डायरी में लिख लेती हूँ वो लफ्स। और मुझे दिमाग में होता है ये मैंने किसी तरह ना अगली कहानी में ना डालना है लफ्स, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत था। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड है, जो लैंग्वेज आपको पढ़ते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त सही दिल पे लगती है, उसी लैंग्वेज में आप लिखें।